राजस्थान हाई कोर्ट हिंदी डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन यस रेडी स्टार्ट। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही एक आवश्यक पक्ष होता है। विराम। इसको ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक पदों पर स्थित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सकता है। विराम। भारत में भी विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में कई कानूनों एवं चुनावी प्रक्रिया द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए हैं, लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विराम। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का एकमात्र उपाय सिर्फ महाअभियोग ही होता है। विराम। ज्ञात रहे कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्यवाही नहीं की गई है। विराम। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक न्यायाधीश को जांच में कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद उसे पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने संबंधी मामला चर्चा में रहा है। विराम। न्यायालय के संबंध में ऐसी कोई माध्यमिक व्यवस्था नहीं है जिससे न्यायालय स्वयं ही न्यायाधीशों से जुड़े कदाचार के मामले में उचित कार्यवाही कर सके। विराम। भारत की सभी न्यायालयों में लगभग 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। विराम। मामलों का लंबित होना पीड़ितों और ऐसे लोगों जो किसी मामले के चलते जेल में कैद हैं किंतु उनको दोषी करार नहीं दिया गया है, दोनों के दृष्टिकोण से अन्याय को जन्म देता है। विराम। पीड़ितों के मामले में कुछ ऐसे संदर्भ भी रहे हैं जब आरोपी को दोषी ठहराए जाने में 30 वर्ष तक का समय लग गया। हालांकि अब तक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी, तो वहीं दूसरी ओर भारत की जेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी बंद हैं जिनके मामले में अब तक निर्णय नहीं दिया जा सका है। विराम। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब कैदी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय कैद में बिता देते हैं। विराम। साथ ही इतने वर्ष जेल में रहने के पश्चात उसे न्यायालय से आरोप मुक्त कर दिया जाता है। विराम। ऐसी स्थिति में न्यायालय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। विराम। इस स्थिति में त्वरित सुधार किए जाने की आवश्यकता है। विराम स्टॉप। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको दीपक मीणा जैन स्टूडेंट क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा आपको वीडियो और मैटर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइव क्लास भी ज्वाइन करें हमारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।